द फ्रेंड कैसे आप लोग, स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है 3S लर्न इलेक्ट्रिकल वर्क। फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल में नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसमें इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको समझने में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है रिवर्स और फॉरवर्ड, उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे करने का है, वो ऑटो और मैनुअल में कैसे चलेगा, उसके बारे में आपको एक एक करके पूरा समझाऊंगा। इसमें मैंने क्या किया हूँ, दो कॉन्टेक्टर लगाया हूँ, दो रिले लगाया हूँ और दो हमारा जो सेंसर है वो सेंसर दो एनो वाला सेंसर यूज किया हूँ। तो दो रिले क्यों यूज किया हूँ और दो कॉन्टेक्टर क्यों यूज किया हूँ, आपको वीडियो में आपको समझने में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको मालूम हो जाएगा। एक बार ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें आपको कहाँ पर डाउट रहेगा तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रिवर्स और फॉरवर्ड का है, जो कंट्रोल वायरिंग है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाऊंगा। इसको ये जो दो रिले है ना, रिवर्स और फॉरवर्ड का जो रिले लगा हुआ है 11 पिन का है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, वो उसको आई बटन में लगा दिया हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। और ये मैं जो इसका जो कंट्रोल वायरिंग है, इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, क्योंकि आपका जो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसको फास्ट कर देता हूँ। तो आपको क्या होगा, इसमें जो ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको ये डायग्राम में एक एक करके पूरा समझाऊँगा फ्रेंड्स। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। ये पूरा कंप्लीट होने वाला है, अभी इसका इंडिकेटर का कनेक्शन बाकी है, इसका कर देता हूँ अभी। इंडिकेटर का कंप्लीट भी ऑलरेडी हो गया है, तो इसके बाद इसको आपको मैं इसका डायग्राम लेके आपको एक एक करके पूरा समझाऊंगा फ्रेंड्स, ये कहाँ पे कनेक्शन कहाँ पे कैसे गया है, वो कैसे वर्क करेगा ये। तो इसको मैं अभी पावर दे रहा हूँ, अभी पावर दे दिया हूँ अभी फ्रेंड्स। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसको अभी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करके देखते हैं, उसके बाद फिर आपको डायग्राम से समझा दूंगा। तो अभी जैसा कि अभी मैं मैनुअल में चालू करता हूँ, जैसे मैनुअल में चालू करूंगा तो क्या होगा, मैनुअल में भी फॉरवर्ड में दबाता हूं, तो फॉरवर्ड दबाऊंगा तो ये हमारा फॉरवर्ड में चालू हो गया है। तो उसको फिर मैं मैनुअल में रिवर्स करूंगा, रिवर्स करूंगा, ये रिवर्स में हो गया है, तो फिर मैं इसको फॉरवर्ड में दबाऊंगा, फॉरवर्ड में हो जाता है, फिर इसको रिवर्स करूंगा, रिवर्स में हो जाएगा। जैसा अभी सेंसर में ये रिवर्स में गया है, रिवर्स आएगा, पीछे से आएगा, आएगा इसके सामने आ गया है, तो अभी ये फॉरवर्ड में चालू हो गया, फॉरवर्ड में फिर जाएगा कहाँ पर, ये रिवर्स में, ये ऑटो पोजीशन में चल रहा है। तो अभी फिर इधर से जाएगा
फिर ये फॉरवर्ड में जाएगा, ये फॉरवर्ड में चालू हो गया, फॉरवर्ड से फिर जाएगा ऐसे 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 रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स के सामने आएगा सेंसर में, ऊपर पीछे से फिर चलेगा तो फॉरवर्ड में आ जाएगा। फ्रेंड्स ये ऐसे इसका वर्क होता है। फिर यहाँ पे आपको ऑफ पुश बटन से बंद करना होगा तो ये बंद हो जाएगा यहीं पे। फिर यहीं से चालू करना होगा, जैसा सेंसर के आगे आ जाएगा फिर ये चालू हो जाएगा। ये हमारा वो पहले किंतु स्टार्टिंग करने के लिए हमको ये पुश बटन से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक पोजिशन में चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको मैं एक बार समझा देता हूँ काम से क्या है। तो इसका पावर फेल बंद कर देते हैं। तो अभी ये फ्रेंड्स ये जो रेड का निशान है पूरा, जैसा ये हमारा पावर जाएगा, इसमें पावर जाएगा तो कहाँ पे ऑफ पुश बटन में जाएगा, ऑफ पुश बटन का जो एनसी है एनसी में जाएगा, एनसी से डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा हमारा ये जो फॉरवर्ड वाला है पुश बटन है और सेंसर है इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये हमारा बॉटम जो है फॉरवर्ड बॉटम का है तो इसमें आएगा, इसी से भी और एक जो पावर वायर आएगा ये हमारा R2 जो है, R2 जो रिवर्स वाला रिले है इसका एनसी में आ जाएगा, एनसी में इसमें एनसी में आ जाएगा। और इसी से और एक वायर जाएगा कहाँ पे, ये हमारा जो रिवर्स है रिवर्स वाला पुश बटन और सेंसर इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें इसी से और एक वायर जाएगा कहाँ पे, ये जो R1 है फॉरवर्ड वाला रिले एनसी है इसमें आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट जैसा कि जो पावर ऑन करना पड़ेगा, ये सप्लाई क्या होगा, ये जितना रेड वाला निशान है इसमें आ जाएगा। ये जैसा ये एनसी से इनपुट से आउटपुट में निकलेगा और ऐसे ही फिर इसमें R1 जो है इसका एनसी से आउटपुट में निकलेगा। तो ऐसे ही पूरा जो पावर ऑन करना पड़ेगा ये स्टेट ये दर्शाए कि इधर से जितना रेड वाला निशान है इसमें आ जाएगा पूरा। तो ये हो गया, तो इसको हमको जैसे चालू करना होगा तो चालू करने में क्या होगा, इसमें जब दबाना पड़ेगा ये फॉरवर्ड वाला बटन जब दबाना पड़ेगा तो ये क्या होगा, इधर से सप्लाई इधर आ जाएगा पूरा स्टेट आएगा। तो हमारा जो R1 का जो एक कॉयल है ये जो फॉरवर्ड वाला रिले है इसमें डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट सप्लाई आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये R1 रिले जो है ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये तो ऑन हो जाएगा दबाने के लिए, इसको जब छोड़ना पड़ेगा तो होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो R2 का एनसी से जो आउटपुट निकला है ये आ जाएगा कहाँ पे, R1 इसका जो इसका NO में आ जाएगा, NO से दूसरा जो साइड में ये जो NO में यहाँ तक तो आ जाएगा पूरा पावर जो ऑन होगा। तो ये जो NO लग जाएगा तो पावर रिटर्न इधर से घूम के इधर आ जाएगा, इसको छोड़ देगा तो ये क्या होगा, इधर से सप्लाई जाएगी ये R1 होल्ड हो जाएगा। तो ये R1 जब होल्ड हो जाएगा इसी में सप्लाई क्या होगा, इसमें एक सप्लाई जाएगा कहाँ पे, ये K1 जो ना K2 जो कॉन्टेक्टर है, K2 को जो कॉन्टेक्टर क्या है, ये K2 कॉन्टेक्टर जो है ये रिवर्स का है। तो ये रिवर्स का जो कॉन्टेक्टर है ये इसी से ये क्यों बंद है, इसी से ये इसका एनसी से घूम के ये K1 में आ जाएगा, K1 में आ जाएगा तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन हो जाएगा। तो ये जैसा कि इसको दबाना पड़ेगा, तो ऐसे ही जब वो इसका जो रिवर्स वाला है रिवर्स वाला पुश बटन फिर दबाना पड़ेगा तो ये क्या होगा, इधर से सप्लाई जाके इधर से हमारा ये जो R2 है R2 का जो रिवर्स वाला रिले है ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये ऑन होगा ना, तो ये ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, इधर से जो R2 है NC ये कट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो क्या होगा, ये सिस्टम जो है पूरा ये जो हमारा फॉरवर्ड वाला पूरा है ये बंद हो जाएगा पूरा, ये रिले बंद हो जाएगा तो कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये जो बंद हो जाएगा तो इसका जो एनसी जो है ये एनसी में पावर आ जाएगा, एनसी में जो पावर आएगा ये क्या होगा, इधर से घूम के फिर इधर से वो इसका जो R2 का NO है इसमें आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इसको पुश बटन को दबा के जब छोड़ दोगे तो ये इधर से घूम के इधर होल्ड हो जाएगा, ये होल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इधर से सप्लाई फिर क्या होगा K1 में, ये जो K1 कॉन्टेक्टर है ये फॉरवर्ड वाला है ये बंद हो जाएगा ना। तो इसमें इसका एनसी से घूम के जैसा इसमें घूम के आया था तो ऐसे ही फिर क्या होगा, ये K1 वाला कॉन्टेक्टर का एनसी से घूम के इधर हमारा K1 का जो एनसी है इसी से घूम के फिर K2 में आ जाएगा, K2 में आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड में काम करना चालू कर देगा। फिर ऐसे ही काम करता है सेंसर का वर्क कैसे होता है, जैसा पुश बटन हमको दबाना पड़ता है तो पुश बटन नहीं दबा के इसके आगे कुछ आ जाएगा तो ये क्या होगा, इधर से सप्लाई घूम के इधर आ जाएगा। फिर ऐसे ही ये फंक्शन चालू हो जाएगा, फिर जैसे ऐसे चालू हो जाएगा ये जब फॉरवर्ड में चलता रहेगा फिर इसके रिवर्स में आगे आ जाएगा, फिर रिवर्स में ऐसे सप्लाई इधर से घूम के इधर आ जाएगा। तो ये हमारा ये फिर रिवर्स में पीछे पीछे जाएगा, ऐसे ही इसका वर्क होता है फ्रेंड्स। तो इसमें ये जैसा क्या है, ये इसको स्टार्ट करने के लिए हमको जैसा स्टार्ट यहाँ पे इधर से आएगा, ये पूरा क्या है रेड वाला जो निशान है ये इसमें डायरेक्ट पावर आ जाएगा। जब जैसे बंद करना होगा तो क्या करने का है, ये इसको यहाँ पे प्रेस करने का है, ये हमारा यहीं से कट हो जाएगा तो पूरे सिस्टम से वो हमारा जो होल्ड है ये होल्ड है, ये जो NO2 लगा हुआ है ये जैसा जो भी जैसा कि रिवर्स में ये रिवर्स में काम कर रहा है यहाँ पर ये जब बंद हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा, हमारा सारा पूरा जो कंट्रोल है बंद हो जाएगा।
तो यहाँ पे जैसा बंद करना होगा, ये पुश बटन है, इसमें बंद करना होगा। ये मैंने इसको 220 का जो कंट्रोल वायरिंग किया हूँ, इसमें आपको जैसा 24 वोल्ट में करना पड़ेगा तो उसके लिए पावर सप्लाई अलग देना पड़ेगा, और पावर सप्लाई देना होगा तो 24 वोल्ट के लिए सेंसर लगाना पड़ेगा, 24 वोल्ट के लिए कॉन्टेक्टर भी लगाना पड़ेगा, सब 24 वोल्ट का। मेरे 220 का मैंने बनाया हूँ क्योंकि 220 का मेरे पास सेंसर पड़ा है, 220 का कॉन्टेक्टर है, और न्यूट्रल भी ऐसे ही है, जितना A2 है सबका कॉमन होके इधर चला गया है फ्रेंड। तो ये इंडिकेटर भी ऐसे लगाना पड़ेगा, इंडिकेटर दो एक्स्ट्रा लगाए हूँ चालू बंद करने के लिए, दिखाने के लिए है। तो इसमें क्या है, A1 में एक लगाने का है कॉन्टेक्टर में, और A2 का भी लगाने का है, दो इंडिकेटर का जो दो कनेक्शन है A2 में और A1 में, दोनों में लगाने का। इसमें भी A1 और A2 में दोनों में लगाया हूँ, ऐसे ये लगाया हूँ फ्रेंड्स। ये ऐसे ही वर्क करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा चैनल में आप नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसे ही नया नया वीडियो लेके आता हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।